पश्चिमोत्तान आसन। नमस्कार, मैं शक्ति, फिटनेस एक्सपर्ट ऑफ गुड बेस फिटनेस। आज हम करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। पहले देख लेते हैं कि इसकी विधि, मतलब किस तरह से पश्चिमोत्तान आसन करते हैं, फिर मैं आपको इसकी सावधानियां और इसके लाभ के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मैट ले लीजिए एक, और अपने पैरों को इस तरह से सामने की ओर फैला लीजिए और दोनों पैर मिले होने चाहिए। कमर को सीधा कीजिए, दोनों हाथ साइड में रख के आपको कमर को ज्यादा सीधा रखना है। उसके बाद आपको दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है और स्पाइन को ऊपर की ओर खींचते हुए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए नीचे की ओर आना है। आपको अपनी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा सीधा रखने का ट्राई करना है और उसी स्पाइन, लॉन्ग स्पाइन के साथ आपको इस तरह से नीचे आकर कुछ देर के लिए अपने फॉरहेड को घुटनों पर लगाना है। आप इसमें अंगूठे भी पकड़ सकते हैं या अपने पैरों को भी पकड़ सकते हैं। जो बिगनर हैं वो ज्यादा जल्दी आगे नहीं झुक पाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लचीलापन नहीं होता है, तो वो सीधा हाथों को ऊपर करके थोड़ा सा आगे इस तरह से झुक सकते हैं। जितना आपकी यथाशक्ति, मतलब जितना आप झुक सकते हैं उतना आप आगे जाएं। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद आप धीरे धीरे अपने आप को और नीचे ले जाने का पूरा ट्राई करें। पश्चिमोत्तान आसन बहुत ही अच्छा आसन है। इस आसन से सबसे पहले तो आपकी हाइट इंक्रीज होती है। जिन बच्चों को हाइट इंक्रीज करनी है, और जो हाइट है वो 18 से 20 साल तक इंक्रीज होती है, लेकिन अगर आप आसन करेंगे तो 1-2 इंच 20 साल के बाद भी बढ़ जाती है, बट ज़्यादातर केसेस में होता है ऐसा, ज़रूरी नहीं कि बढ़ जाए। और जब आप पश्चिमोत्तान आसन करते हैं तो आपके स्टमक के फैट को काफ़ी डिल्यूट करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, कॉन्स्टिपेशन दूर करता है। जब आप पश्चिमोत्तान करते हैं सामने की ओर, तो ध्यान रखें जितना आपसे हो सके आपको उतना ही करना है पश्चिमोत्तान। ज़्यादा फोर्सफुली मत कीजिए, नहीं तो आपकी जो बैक है उसमें दिक्कत हो सकती है, दर्द ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा मांसपेशियाँ खींचने से आप फिर 1-2 हफ्ते तक आपकी मांसपेशियों में दर्द रह सकता है। अगर आपको ध्यान करना है, मतलब जो लोग ध्यान ज़्यादा करते हैं वो ये आसन काफ़ी देर तक होल्ड कर सकते हैं, 5-10 मिनट, 15 मिनट 20 मिनट। लेकिन अगर आपको स्वस्थ, मतलब आपको कुछ बीमारी ठीक करनी है या शरीर को लचीला बनाना है, तो 1-2 मिनट तक भी आप इस आसन को होल्ड करके 10-15 बार कर सकते हैं। और ये आसन बिल्कुल खाली पेट करना है आपको। सुबह भी कर सकते हैं आप ये आसन और शाम को भी, लेकिन ध्यान रहे कि ये खाली पेट ही आपको आसन करना है। पश्चिमोत्तान आसन करने से आपकी जो लेग्स है, मतलब जब आप पैरों को सीधा रखते हैं, घुटनों को बिल्कुल मोड़ना नहीं है, जब आप नीचे की ओर आते हैं तो आपके नीचे, मतलब आपके हैमस्ट्रिंग की जो मसल्स हैं वो खिंचती हैं, तो आपके हिप्स और थाइस काफ़ी टोन होते हैं। और आपके जो आर्म्स हैं, जब आप आर्म्स को पूरी तरह से आगे की ओर खींच लेते हैं तो आपकी आर्म्स भी काफ़ी पतली होती है, मतलब टोन हो जाती हैं। तो ध्यान रखना है कि आपको किसी तरह का अलग से आपको पोस्चर हिलाना नहीं है, बिल्कुल सीधे तरह से नीचे आना है और फिर सीधी तरह से ऊपर आना है। ऊपर आते हुए सबसे पहले आपको श्वास लेना है और नीचे आते हुए श्वास को पूरी तरह से छोड़ देना और नॉर्मल श्वास में ही रहना है। आपसे जितना टच हो सके अपना फोरहेड उतना टच करना है। अगर सर्वाइकल है आपको, बैक पेन नहीं है, सिर्फ सर्वाइकल है, तो आपको चिन टच करना है, मतलब नीचे आकर आपको चिन अपने घुटनों की तरफ लगाने की कोशिश करनी है। अगर आपको बैक पेन है तो हल्का सा आगे की ओर झुकना है और फिर वापस आना है। बिल्कुल फोर्स नहीं करना है अपनी बैक को, कोई इंजरी है बैक में किसी तरह की तो ये आसन नहीं करना है। महिलाओं के लिए ये आसन बहुत ज़रूरी है मेनोपॉज में, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो भी, अगर पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम आती है, पीसीओडी की दिक्कत है, तो भी पश्चिमोत्तान आसन बहुत ही अच्छा है। ये आपकी किडनी और लीवर को भी काफ़ी हेल्दी रखता है। पश्चिमोत्तान आसन करने से आपका मन शांत होता है। चंचलता, मतलब काफ़ी मन भटक रहा है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चंचल मन को काफ़ी शांत करता है। जिन लोगों को हृदय रोग है, बहुत हाई बीपी है, वो ये आसन से बचे। जिनको स्पाइनल इंजरी है, कंधे या गर्दन की कोई इंजरी है, तो ये आसन आपको अवॉइड करना है। आपको पश्चिमोत्तान आसन के बाद या तो आप इसमें भुजंग आसन करें या फिर आप शलभ आसन भी कर सकते हैं, जिससे आपके स्पाइन को रिलैक्स मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।